subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के वार जारी, एक ही दिन में मजीद 21 अफराद को कोरोना ने निकल लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1708 नए केसेस की तशखीस। मुल्क भर में अब तक 47,73,000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए गए। सरहदों का दिफा हमारी अव्वलिन जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम वक्त तैयार हैं। अमीरुल बहर कहते हैं, मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में जज्बे के साथ साथ हथियारों और आलात का भरपूर इस्तेमाल भी अहमियत का हामिल है। नेवल चीफ ने जवानों के हौसले और अजम को सराहा। NCOC की मज़ारात और सिनेमा घर फौरी बंद, सर्दियों की छुट्टियां जल्द देने की सिफारिश। असद उमर कहते हैं, जिंदगियां बचाने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून डटी हुई है, जालिम के आगे नहीं झुकेंगे। मरियम नवाज कहती है, ये हुकूमत साल खत्म होने से पहले ही चली जाएगी। जिसकी हुकूमत जाने वाली हो, क्या से हुंजा के अवाम वोट डालकर जाया करेंगे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से 21 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 7,021 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,48,184 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,708 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,07,831, सिंध में 1,51,352, खैबर पख्तूनख्वा में 41,069, बलोचिस्तान में 16,195, गिलगित बल्तिस्तान में 4,394, इस्लामाबाद में 22,432, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,911 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 47,73,496 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,989 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,20,065 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,109 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 21 अफराद जा बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,021 हो गई। पंजाब में 2,429, सिंध में 2,690, खैबर पख्तूनख्वा में 1,294, इस्लामाबाद में 247, बलोचिस्तान में 154, गिलगित बल्तिस्तान में 93 और आज़ाद कश्मीर में 114 मरीज जान से हाथ धो बैठे। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ़ ने पाकिस्तान से मिलने वाले तआवुन पर इत्मीनान का इजहार किया है। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद क़ुरैशी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान से मिलने वाले तआवुन से बहुत मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि शाह महमूद क़ुरैशी से इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई है। इस मौके पर शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि जवाद ज़रीफ़ अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरह ईरान भी पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है, बाहमी मशावरत से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर खारजा ने मजीद कहा कि दौरान मुलाकात दो तरफा तजारत और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और कश्मीर के मसले पर ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कहना है कि सरहदों का दिफा पाक बहरिया की अवलीन जिम्मेदारी है जिसके लिए वो हमा वक्त तैयार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने क्रीक्स एरिया का दौरा किया। सजावल में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स आमद पर कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल जाहिद इलियास ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ ने जुनूब मशरकी सरहद के साथ मौजूद अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां तैनात अफसरों और जवानों से मुलाकात की। अमीर अल बहर को क्रीक्स एरिया में दरपेश खतरात और पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने मुश्किल मौसमी हालात और दुश्वार गुजार इलाके में फराइज की अंजामदही पर नौजवानों के हौसले और अजम को सराहा। अमीर अल बहर का कहना था कि मुल्की बहरी सरहदों के दिफा में जज्बे के साथ साथ हथियारों और आलात का भरपूर इस्तेमाल भी अहमियत का हामिल है। सरहदों का दिफा पाक बहरिया की अवलीन जिम्मेदारी है और पाक बहरिया इसके लिए हम वक्त तैयार है। NCOC ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस मज़ारात सिनेमा और थिएटर बंद करने समेत मौसम सरमा की तातीलात पेशगी शुरू करने की तजवीज़ दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ जिसमें नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए सख्त इकदामात तजवीज़ करते हुए बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी है। इजलास में कहा गया है कि बीमारी में 3 गुना इजाफा हुआ है, लिहाजा ज्यादा खतरे वाले इलाकों में पाबंदियाँ बढ़ाई जाएँ। NCOC के मुताबिक तालीमी इदारों में मुस्बत केसेस का तनासब बढ़ रहा है जिसे रोकने की ज़रूरत है। इजलास में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात पेशगी शुरू करने की तजवीज़ भी सामने आई। ताहम 16 नवंबर को वफाकी वज़ीर तालीम NCOC में सूबाई वज़रा तालीम के साथ मुलाकात करेंगे। मशावरती मुबाहसे के बाद सिफारिशात सूबों के साथ शेयर की जाएंगी। समाजी राबते की साइट ट्विटर पर वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस NCOC ने एक बार फिर मुल्क में बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ दी है। मुल्क में तेज़ी से बढ़ते कोरोना के मुस्बत केसेस के बायस जिंदगियां बचाने के लिए फौरी इकदामात की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा कि अक्टूबर के वक्त से बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ आने के बाद से कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। उनका कहना था कि मुल्क भर की सियासी क़यादत की जानिब से कौम को कोरोना से मुतालिक हिफाजती इकदामात करने और SOPs पर अमल करने के लिए पैगाम जाना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वजीर आजम को गरीब अवाम का कोई एहसास नहीं, हुकूमत कोई और चला रहा है, ये सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम भूख से बिलक रहे हैं और ये ढटाई से कहते हैं कि महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है और महंगाई की जिम्मेदारी नून लीग की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नगर खास पे इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि नगर और हंजा के लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत को अपना फर्ज समझती है। जालिम हुक्मरान के सर पर सिर्फ इंतकाम का भूत सवार है। कोई ऐसा जुल्म नहीं जो नवाज शरीफ पर ना हुआ हो। नवाज शरीफ ने हर जुल्म बर्दाश्त किया, बेटी को जेल भेजा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून डटी हुई है कि जालिम के आगे नहीं झुकेंगे। जालिम हुकूमत ये साल खत्म होने से पहले वापस जाने वाली है। जिसकी हुकूमत जाने वाली हो क्या उसे हंजा के अवाम वोट डालकर जाया करेंगे। मरियम नवाज का कहना था कि वजीर आजम को गरीब अवाम का कोई एहसास नहीं, हुकूमत कोई और चला रहा है, ये सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम भूख से बिलक रहे हैं और ये ढिटाई से कहते हैं कि महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है और महंगाई की जिम्मेदार नून लीग है। अवाम झोलियाँ उठाकर वजीर आजम और हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। जिसके खर्चे कोई और उठाता हो उसे गरीब की तकलीफ का इल्म नहीं हो सकता। गरीब लोगों के हाथ इमरान खान की तरह अमीरों की जेब में नहीं होते। पाकिस्तान के कोने कोने से गरीब अवाम झोलियाँ उठाकर इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, अपने बच्चों की फीसें दें, उनकी किताबों और कपड़ों का यूनिफॉर्म्स का खर्चा उठाएं, घर का चूल्हा जलाएं, या फिर अपने घर में बीमार लोगों की दवाइयों का खर्चा उठाएं। तो ऐसे शख्स को जिसके खर्चे कोई और उठाता हो उसको गरीब की तकलीफ का क्या एहसास। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.